तानाशाही रवैये के खिलाफ प्रदर्शन। राजधानी जयपुर जिले के विश्वकर्मा इलाके में स्थित रोड नंबर 5 पर तानाशाही नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि रोड नंबर 5 पर स्थित शिव मंदिर के पास हरिओम जन सेवा समिति के द्वारा की जा रही सहायता में अड़ंगा डाल रहे अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बता दें कि कोरोना काल से पहले से ही हरिओम जन सेवा समिति जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करती है और कोरोना काल में समिति द्वारा जरूरतमंद लोगों की काफी मदद की गई, लेकिन फिर भी एक अधिकारी द्वारा इस समिति के काम में बाधा डालने पर समिति के सदस्य और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रकट किया। तो वहीं मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों से समझाइश की। तो वहीं कार्य में अड़ंगा डाल रहे एक अधिकारी ने भी कार्य को जारी रखने की अनुमति देने के साथ ही हर माह दान राशि का भी ऐलान किया है। इस मौके पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश संयोजक दौलत सिंह, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रेम पोद्दार, क्षत्रिय विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह, समाज सेवी संजय सिरसिला आदि लोगों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव राजस्थान, जयपुर। सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज हम 20-30 साल से हम अपने जीवन यापन कर रहे हैं, या हम भूखमरी की कगार पे खड़े हैं। हम लोग ये 400-500 परिवार या 3000 परिवार कहाँ जाएंगे? अगर सरकार हम लोगों की व्यवस्था नहीं करेगी तो हम लोग कहाँ जाएं? आप लोग ही जवाब दीजिए हमने का। और गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही, रिको वाले हमारी सुन नहीं रहे, कोई भी नेता नांगड़ हमारी सुनने को तैयार नहीं है। अब हम ये इतने लोग कहाँ जाएं? चोरी करें, अगर चोरी करते हैं तो पुलिस वाले पकड़ते हैं और भीख मांगेंगे अपने बच्चों को लेके। ये बताइए आप क्या करना चाहिए हम लोगों को? आप लोग ही से जवाब मांग रहे हैं हम इस चीज़ का। ये इतने लोग आए, भीड़ इकट्ठी हुई है, एक साथ जमा हो रही है, इन लोगों को कुछ तो बताइए ना, कुछ आश्वासन दे रहे हैं, बस तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग तोड़ देंगे। सर, कहाँ जाए हम बता दीजिए आप? अगर हम कोई गैरकानूनी चीज़ पर लगा रखे हैं कि हम भी तो भारत के वासी हैं, हम लोग भी तो भारत के नागरिक हैं, हम लोगों को यहाँ पर रोज़गार करने की अनुमति नहीं मिल सकती क्या? हमें क्यों नहीं दी जा रही अनुमति सर रोज़गार करने की? कोई हम चोरी कर रहे हैं क्या? कोई बुरे काम कर रहे हैं? कोई हम कोई अवैध काम थोड़ी कर रहे हैं? वहाँ बैठ के अपने बच्चों को पाल रहे हैं ईमानदारी से? हमारे बच्चों की शिक्षा कहाँ जाएगी? हम लोगों के बच्चों को जब पैसे नहीं होंगे तो हम कहाँ से पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को?